पेपर की शुरुआत हो चुकी है और हम जा रहे हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। गाइस हम बाइक पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये बाइक पे नूडल ले लिए। तो गाइस देख रहे हो हम और प्रेम भाई यहाँ पे जा रहे हैं। जैसे कि जानते हो प्रेम भाई प्रो प्लेयर है, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हो गाइस यहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे जाएंगे फिर वहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो हम बस स्टैंड पे जाते हैं अभी। गाइस देखो ये रहा है ना, ये देखो छोटा सा सैंपल सा नमूना है, ठीक है। तो ये रहा एकता नगर, जैसे कि देख रहे हो आप वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का देख रहे हो गाइस, क्या ही तो सीन है। पब्लिक यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलेगी, देखो साहब छोटी सी मूर्ति, ठीक है, अभी यहाँ पे बड़ी सी मूर्ति भी देखने को मिलेगी। देखो ये एसी वाली बस की सुविधा, ठीक है, ये एसी वाली बस की सुविधा, ये हमारी पब्लिक बैठी है, ये सब पब्लिक है हमारी यहाँ की गाइस। ये कालू हमारा बहुत ही सुंदर। पीछे ज्यादा ऊंचा नीचा होता है राहुल, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। वो आगे चल, आगे उतरना है कि पीछे उतरना है? कालू तू ज्यादा काला क्यों लग लग रहा है? हाँ तू आ रहा है, तू आ रहा है, सब आएंगे, सब आएंगे। अरे मेरे को नहीं पकड़ना, मेरी भी पकड़, मेरी भी देखना। देख रहे हम यहाँ पे बस में बहुत ही ज्यादा मजा आएगी, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, बहुत ही मस्त प्लेस लग रहा है, इसलिए बहुत ही काफी अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं वो रही सरदार मतलब पटेल की मूर्ति, ठीक है। यहाँ पे हम सब फ्रेंड्स लोग हैं, कैमरा में चालू पड़ेगा तो निब्बा है। हेलो गाइस, ये हमारा प्रिंस भाई गेमिंग वाला। देखो देखो इसका चेहरा सस्पेंस देगा, कब तक तो तक आप फोन के नहीं कर देते, सही है ना? 20 के लेके 10 10 इसका। जरा डैम व्यू वाकई बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखो देखने में एकदम मस्त दिख रहा है।
अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये विंध्याचल की पर्वतमाला है और सामने जो है वो सतपुड़ा की पर्वतमाला है। दो पर्वतमाला के बीच में सरदार सरोवर डैम जो बांधने का सपना सोच विचार जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। 1946 में उन्होंने सोचा कि नर्मदा नदी का 90% पानी बिना यूज हुए समुद्र में चला जाता है तो उसके ऊपर बांध बना के सौराष्ट्र कच्छ और उत्तर गुजरात जो अकल जैसी परिस्थिति वाला विस्तार है उसको पीने के लिए व सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है। उसका सपना पूरा हो उसके लिए 1961 में पीछे नवागाम नाम का गांव है वहां उसका शिलान्यास हुआ लेकिन कम आय की वजह से वो जगह चेंज कर दी। वो जगह चेंज करके ये जगह पे 1979 पे ओपनिंग हुआ और 2017 में कंप्लीट हुआ। 122 मीटर की हाइट पे छोटे बड़े गेट लगे है जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ना वो गेट है। 18 मीटर के गेट है, 16x55 फीट के 23 गेट है और 16x16 के 7 गेट, टोटल 30 गेट लगे हैं। एक गेट का वेट है 450 टन और उसकी कैपेसिटी है पर सेकंड 1,00,000 क्यूसेक पानी आप निकाल सकते हो, इतने बड़े वो गेट है। गेट के ऊपर 6 मीटर जितना कॉन्क्रीट काम हुआ है तो डैम की जो हाइट है वो 146.50 मीटर फाइनल हो गई है और फाउंडेशन लेवल से देखा तो 163 मीटर 163 मीटर की हाइट है। 1210 मीटर इस पार से उस पार तक लंबा है 1.25 किलोमीटर। नीचे 400 फीट चौड़ाई है, टॉप लेवल पर 9 मीटर पूरा डैम पिरामिड टाइप बन गया है। पीछे अभी सामने का जो भाग है वहाँ 6 किलोमीटर के बाद महाराष्ट्र की बॉर्डर लग जाती है डैम के पीछे, इधर 45 किलोमीटर के बाद MP की बॉर्डर लगती है। अभी 214 किलोमीटर जितना पानी भरा हुआ है सरदार सरोवर के अंदर और यहाँ जो कॉन्क्रीट बनता था वो नर्मदा नदी का एक पत्थर उठा के उसको जमा करके उसके कॉन्क्रीट बना के उसको परिवहन करने के लिए ये केबल कैन लाए थे जर्मनी से। 1988 में लाए थे, 23 करोड़ की एक ऐसी दो है। तो आमने सामने जो आपको टावर दिख रहे हैं वो 110 मीटर ऊंचा है विदाउट फाउंडेशन, उसका कोई फाउंडेशन है 400 फीट इधर उधर मूव हो सकते है और उसका जो ब्लैक वायर लगा है और यहाँ से हमको एक डोरी जैसा दिख रहा है पर वो 4 इंच चौड़ाई है उसकी, 1.5 किलोमीटर लंबा है विदाउट जॉइंट, 28 टन की उसकी कैपेसिटी है। 3 ट्रक में जितना कॉन्क्रीट आता है उतना एक ही बार में कैरी करके ले जाएगा। तो गाइस अब हम रिटर्न जा रहे हैं यार क्योंकि यार यहाँ पे तो इतना मजा है तो भाई बहुत तेज टैटू नहीं बनेगा इधर से इसका सिंबल बनेगा भाई यहाँ पे तो प्रेम भाई यहाँ पे तो लग चुके एल पूरे